जिससे से लास्ट चार्ज जो आप प्लानिंग में था। देखिए कोई प्लानिंग वे में नहीं था, दो घटनाओं को बीजेपी अनावश्यक रूप से तूल ले रही। एक तो जहानाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विजय सिंह की हत्या का मृत्यु हुआ है, उसको जोड़ के इस लाठीचार्ज से जोड़ गई, उसको जोड़कर इस घटना को प्रचारित कर रही, जबकि सच्चाई वो है नहीं। विजय सिंह जी के का मृत्यु हो गया, हम सबों को उनके प्रति उनके परिवार के प्रति संवेदना है, लेकिन विजय सिंह जी घटना स्थल पर लाठी चार्ज के स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए थे। ये सारा रिकॉर्ड वीडियो और सारा कुछ है। उनके साथ जो व्यक्ति थे भरत चंद्रवंशी जी, उन्होंने भी बहुत साफ शब्द में कहा है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए थे। तो जब वो घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए थे तो लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु कहां से हो गई? तो बीजेपी इसको अनावश्यक, और गोदी मीडिया है, मीडिया तो पूरा कंप्लीट उनके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, बड़का झूठा पार्टी के नियंत्रण में है। तो जो बड़का झूठा पार्टी चाहेगी उसको गोदी मीडिया चलाता रहेगा। गोदी मीडिया को हम चुनौती दे रहे हैं कि श्री विजय सिंह लाठी चार्ज वाले घटना स्थल पर उपस्थित थे, इसका साक्ष्य अगर किसी गोदी मीडिया के पास है तो वो सार्वजनिक करे। तो वो गए ही नहीं। हाँ, अब किन कारणों से उनके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं, तो लाठी चार्ज में वो गए और लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई, तो शरीर पर चोट का निशान होगा ना जी? कोई नहीं है। वो गिर गए छज्जू बाग में, छज्जू बाग से उनको तारा मेडिकल हॉल मेडिकल हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से पीएमसीएच गए। किन कारणों से गिरे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। तो एक तो ये बात साफ है, लेकिन बड़का झूठा पार्टी इसको जोड़ रही है और गोदी मीडिया पूर्णतः बड़का झूठा पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई। नंबर टू, जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, कई वीडियो वायरल हुए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस प्रशासन पर जो वहां ड्यूटी में थे उन पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया, ये कई वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी देखे हैं। तो अब मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र में आप अगर कानून को तोड़िएगा तो प्रशासन काम करेगी ना? करेगी कि नहीं करेगी? मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? सैकड़ों लोग मारे गए मणिपुर में, तो कुछ तो बोल नहीं रहे, और गोदी मीडिया कुछ उसका प्रचार भी नहीं कर रही है। तो इसलिए हम लोग का जो कहना है कि जो पूरी जो व्यवस्था है और जो मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, ये गोदी मीडिया पूरे सरकार के नियंत्रण में है, और बड़का झूठा पार्टी जो चाहती है गोदी मीडिया उसी का प्रचार करती है। तो प्रचार करने में लगी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता सब कुछ जानती है और जनता को प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हाँ, कानून तोड़ने वाला अगर कोई भी कानून तोड़ेगा, पुलिस प्रशासन पर मिर्ची का पाउडर फेंकेगा, अगर स्प्रे करेगा उनके आंख पर उनके चेहरे पर, तो प्रशासन तो प्रशासन है ना, कि प्रशासन क्या करे, कि पिटाता रहेगा? ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इन लोगों को जो करना है वो करते रहे, और जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शिक्षक कितना थे ये तो बतावे। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर शिक्षक हैं, शिक्षक के इशू पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को बुला लिए थे, जनता का समर्थन नहीं है। प्रदर्शन में भी कितने लोग आए उससे भी पता चल गया है कि इनको कोई जनता का समर्थन कहीं नहीं। आज काला दिवस वो लोग मना रहे हैं, कि लोग वो काला दिवस मनाते रहे। अरे काल भाई, लोकतंत्र तो बता तो दिए कि कहां लोकतंत्र की हत्या हुई, कौन सा लोकतंत्र की हत्या हुई, कहां लोकतंत्र की हत्या हुई,
पुलिस प्रशासन पर और पुलिस पर और जो वहाँ ड्यूटी पर लोग हैं उन पर मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा और उसको कहिएगा लोकतंत्र, यही है लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र की हत्या तो केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, लोकतंत्र की हत्या। गोदी मीडिया पर नियंत्रण, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण। अभी देखे नहीं कि ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, पूरा देश देखा ना इसको, पूरा दुनिया ना देखा इसको। तो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, बारे भाई। बिहार के सीएम से वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को